Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the part 4 and the last part of the series how to make a PPT on iPad. So आखिरी पार्ट है तो थोड़ा सा फिनिशिंग टच और जो बेसिक और वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं PPT बनाने में आज हम उसको देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन Keynote will open. So पिछले part 1, part 2, part 3 of how to make PPT में हमने देखा था how to add photos, how to add little bit elements, how to write headings and subheadings, how to animate those headings and subheadings. Today we'll learn how to write a text in a paragraph form as well as a bullet form. So let's see how we do it and let's start. So first we are going to select a slide जिसमें आप अपना matter है आपके project से related उसको अगर आपको points में लिखना है like bullet form में लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी slides हैं जिसे हम choose कर सकते हैं. So let us select this. So इसमें क्या है, आपको image भी दे रखी है, जो भी आपके project से related image है वो आप आराम से इसमें add कर सकते हैं. जो भी आपके project से related topic है, headings हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. और यहाँ पे जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कोई भी मैटर लिखते हैं दैट टू बी इन पॉइंट्स फॉर्म, तो हम यहाँ पे इसको बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं. व्हाट वी डू इज़ हम सिर्फ यहाँ पे डबल टैप करेंगे और आपका जो भी आपने मैटर लिखना है वो आराम से इसमें लिख सकते हैं. जैसे आपने एक पॉइंट लिख लिया है, नाउ यू वांट टू ऐड अनदर पॉइंट. सिंपल क्या करना है, एक छोटा सा आपको बटन क्लिक करना है एंड दैट्स रिटर्न. जैसे ही रिटर्न पे क्लिक करेंगे नया यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, नया बुलेट आ जाएगा जिसमें आप अपना और भी पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं. अगेन यू वॉन्ट टू एड मोर पॉइंट्स, तो सिंपल आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे, आपके कीबोर्ड पे ही रिटर्न होगा, विल हैव अनदर पॉइंट फॉर द मैटर ऑफ योर पीपीटी. सो दिस इज हाउ यू राइट योर मैटर इन अ बुलेट फॉर्म और इन पॉइंट्स फॉर्म. अगर आपको यही मैटर एज अ पैराग्राफ लिखना है दैट इज़ अ लिटिल ट्रिकी बट आई विल मेक दैट ईजी. सो वॉट वील डू, वील गो फॉर अ ब्लैंक स्लाइड. And now we are going to use our very trusty Apple pencil. करना कुछ नहीं है इसमें. अब इस पेंसिल से आपको क्या करना है, कुछ भी आपने इसमें स्क्रिबल कर देना है. तो ये क्या है, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है. Now what we'll do, हम थोड़ा सा फिंगर से इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे टू डॉट्स आती हैं तो दैट इज़ कि ये सिलेक्ट हो गया है. अब आप इसको ड्रैग करके आराम से इसको कॉर्नर में ले जाएं लाइक दिस एंड इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लें. नाउ अगेन एप्पल पेंसिल से इसको यहाँ पे टच करेंगे तो आराम से आपका वही राइटिंग टूल बार आ जाएगा. यहाँ पे अब आपको एप्पल पेंसिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू विल डू इज ये छोटा सा कीबोर्ड देख रहे हैं आप इधर, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग. Now you want to write in the next line. What you do, you simply click return and then you start writing. अब यहाँ पे आप और भी बहुत सारे functions कर सकते हैं to edit this. What we'll do, अब इसको जैसे ये disappear करना है तो वापस वही छोटा सा जो keyboard है यहाँ पे icon है आप इसी को दोबारा press करेंगे तो ये disappear हो जाएगी. Okay, to edit this we'll use Apple pencil just for the टच सो दैट ये आपका जो राइटिंग टूल किट है वो सामने आ जाए. एंड देन व्हाट वी विल डू इज वील सिलेक्ट दिस कम्प्लीटली
एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू, आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है तो यहाँ पे जैसे राइटिंग अलाइनमेंट आपको देखना है कि सेंटेंस अलाइनमेंट कैसा रहे, आपको राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए। तो यहाँ पे राइटिंग टूल किट में अब यहाँ पे देखिए, इधर छोटा सा आइकन है जिसमें लाइन अलाइंस हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। तो इसके बाद आपने जैसे ये अलाइन लेफ्ट किया है तो ये आप आराम से इसमें अपने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। देन रिटर्निंग अगेन फॉर न्यू लाइन, अगेन यू कैन राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट इन अ ब्लैंक स्पेस इन अ पैराग्राफ फॉर्म। इट इज़ अ वेरी ईजी ट्रिक। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्लाइड्स में आपको एज अ पैराग्राफ अपना मटीरियल, प्रोजेक्ट का मटीरियल लिखना होता है, तो यू कैन राइट इन दिस वे। जैसे ही आपने इसमें लिख दिया है, यू कैन जस्ट टैप ऑन द आउटर, जैसे ये बॉक्स है इसके आउटर सरफेस पे, बॉक्स के बाहर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा लाइक दिस। सो ये हमने सिंपल ब्लैंक स्पेस पे हमने इसमें अपना जो भी मटेरियल है वो एज अ पैराग्राफ फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स में या पीपीटी में आपको पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टू गिव एक्यूरेट डेटा, तो अब हम उसे भी कैसे पीपीटी में लेकर आएँ, तो वील लर्न दैट। अगेन वील सेलेक्ट ब्लैंक स्पेस और यहाँ पे देखिए इस जगह, दिस इज़ योर पाई चार्ट आइकन, आप इसमें क्लिक करेंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट लीनियर ग्राफ्स। ये आपके 2D में है, 2D में आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, लॉट ऑफ कलर्स एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ 3D एज वेल। तो ये आपके सारे 3D ऑप्शंस हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द 2D, वील कम एट टू 3D एज वेल। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये पाई चार्ट, ये मैंने क्लिक कर दिया है और ये यहाँ पे आ गया है, इसको ड्रैग करके मैं साइड में कर। अब आपको लगेगा कि इसको एडिट कैसे करें, डेटा एडिट कैसे करें, तो सिंपल है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, जिसमें एक ऑप्शन होगा एडिट डेटा, इसको हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपको डेटा आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको एडिट करना है, सो दिस इज़ द फॉर्मेट जिसमें आप आराम से अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके पाई चार्ट और डेटा है वो आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक अप्रैल में आई कैन चेंज टू 78, आई कैन चेंज दिस टू 56, लाइक दैट। एंड जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा रीड नहीं कर पा रहा है, बट देयर इज ऑप्शन कॉल्ड डन। जैसे ही आप डन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डेटा एडिट किया है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। एंड सेम थिंग गोज विद द 3D पाई चार्ट एंड बार ग्राफ्स एज वेल। लेट्स गो फॉर 3D। ओके, 3D में आई विल टेक पाई चार्ट अगेन। सो दिस इज हाउ योर 3D लुक्स लाइक। आप इसको कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। दिस इज़ बाय यू नो जस्ट मूविंग दिस आइकन यू कैन चेंज द वे इट लुक्स, यू कैन चेंज दैट। लेट्स गो फॉर दिस अगेन। आपको इसमें इसमें अपना डेटा जो भी एडिट करना है, एंड यू गो फॉर एडिट डेटा आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, एंड विद दिस यू कैन चेंज योर डेटा ऑफ योर PPT and then we'll click done. So this is how you do it. And अगर आपको इसमें animation add करना है तो simple, जैसे हमारी पुरानी trick थी, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको पहले हम click करेंगे, click करने के बाद there's option, यहाँ पर option है छोटा सा animate। तीन options हैं हमारे पास, add build in, add action and add build out. We want build in as usual. तो हम यहाँ पर 3D crane देखते हैं,
So I really like this one. So again, जैसे आपने select कर लिया यहाँ पे effect, we'll click done. Same goes with this as well. हमने 2D जो pie chart है उसमें भी हम animate कर सकते हैं. आपको इसको सिर्फ select करना है. Then again, add building, same effects. We can go for the fire as well. It's like a wild effect. So you can choose any kind of effect just to make sure कि हमें ये अच्छे से आपके slide में appear हो. So we'll go for the blur and then again we'll click done. So this is how you add your pie chart and graphs. And now we'll go for again the blanks slide. Now we'll learn how to add tables, because sometimes we don't want pie charts and graphs, we want tables. So how to add tables in your blank slide. So here is the icon. This icon shows the table and we'll click here. So yahan pe aapke bahut sare table formats aa jayenge. आपको कोई भी थीम चाहिए, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन ऐड इट टू योर ब्लैंक स्लाइड. सो विल गो फॉर दिस. दिस इज़ अ बेसिक टेबल फॉर्मेट जिसमें आप कुछ भी जो भी आपके पास डेटा है वो आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं. हाउ टू एडिट दिस डेटा, आपको यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स दे रखे हैं, उसमें कॉलम्स हैं. अगेन हर बॉक्स में आपको डबल टैप करना है एंड देन यू कैन write your particular data or your respective data and then you can compare between the two datas. So let's see. We'll write drinks, people, number of people who drink the particular drink and number of people who don't. अगेन आपको जैसे इसमें आपका जो भी हेडिंग है वो थोड़ा लंबा है, इसको आराम से एडिट कर सकते हैं. हाउ, जैसे आपने यहाँ पे पीपल लिख दिया, आपको लिखना है थोड़ा सा डिटेल दैट हु डू नॉट ड्रिंक. तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है रिटर्न, आप आराम से इसको क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन राइट हु डोंट ड्रिंक. This is how you edit your table. And now you want to delete this. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर आपको कोई भी कॉलम आपको डिलीट करना है, सिंगल टैप दिस एंड देन यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर से एक डॉट है, उसको आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड देन यू ड्रैग इट डाउन. अब जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया पूरा, तो यहाँ पर एक कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर बॉक्स हाई. अब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट. इसको हम क्लिक कर देंगे तो आपका वो वाला कॉलम जो एक्स्ट्रा है वो ऐसे डिलीट हो जाएगा. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ हाउ टू मेक अ पीपीटी एंड इन दिस पार्ट वी हैव लर्न्ड हाउ टू राइट ऑन अ ब्लैंक स्पेस, हाउ टू राइट प्रोजेक्ट्स मैटर इन बुलेट फॉर्म, हाउ टू ऐड पाई चार्ट और ग्राफ, हाउ टू ऐड योर टेबल्स टू कंपेयर सर्टन डेटास and how to animate those pie charts as well. So I hope you like this video. Give this video a thumbs up. And aapke iPad se related koi bhi query ho, koi bhi doubt ho, please do comment down below. I will surely make a video on that. And keep supporting. And thank you for watching.